नीतीश कुमार को बोले थे ना डीएनए खराब है जी, अपना परिवार के कोई खराब बोलते, हम नहीं बोल रहे, मोदी जी बोले थे। इन्हें कि हमरो पर कहीं लगा दिया कोई, उससे तो दिक्कत हो जाएगा मोदी जी, हम ना बोले, आप ही का बात सुनाया ऐसे। बीते दस वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं, 39 सीटें दी पिछली बार, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 40 की 40 मिले? उनको निगलेक्ट हम लोग किए हुए हैं, गठबंधन आएगी यहाँ से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बोलने के लिए? कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाषण झूठा भाषण उसका होता है। बकरी चुरा के चला जाता था, हम लोग जंगल एरिया के है ना, बकरी खोसी सब जो भी मिल गए छोटा सब। मंत्री जी आपसे विनती करते हैं, आपके मुँह से हम जंगल राज सुन के बौक हो गए हैं, अब बिहार बर्बाद हो गया है। बस इस बार आप आ रहे हैं ना, तो अगला बार जो गलती किए थे ना वो नहीं कीजिएगा, आप काम गिनवा दीजिएगा कि। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार बिहार आने वाले हैं, लेकिन जब पहली बार वो बिहार आए थे तो तेजस्वी यादव ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि जमुई जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं वहाँ पर 10 सालों में केंद्र की तरफ से क्या किया गया, उसका जवाब दे। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं और फिर से दोबारा सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि जिस परिवारवाद पर लगातार प्रधानमंत्री बोलते हैं उस पर जब बिहार आते हैं तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। लोगों से जानने की बातचीत करेंगे कि क्या राय है, क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री आए थे इस बार फिर आ रहे हैं दोबारा, क्या भाषण में एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी और घूमने की भी आज़ादी है हमारे देश में, तो कोई कहीं पर भी जा सकता है और बोलने को आज के वक्त में उचित करते हैं प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ। देखिए, उचित अनुचित ये इंसान की भाषा के ऊपर होता है कि क्या बोलना चाहता है और क्या कह रहा है। ठीक है, अब बोलिए प्रधानमंत्री के ऊपर क्या पूछ रहे हैं आप। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ चाहते हैं उनसे? अभी चाहते हैं क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे विनती करते हैं, आपके मुँह से हम जंगल राज सुन के बौक हो गए हैं, अब बिहार बर्बाद हो गया है। बस इस बार आप आ रहे हैं ना, तो अगला बार जो गलती किए थे ना वो नहीं कीजिएगा, आप काम गिनवा दीजिएगा कि 10 साल छोड़ दीजिए, हम 5 साल में 39 सीट दिए ना जी प्रधानमंत्री को, बस आप गिना दीजिएगा काम। प्रधानमंत्री बोले थे कि जमुई में एयरपोर्ट बनवा दिए, रोड बनवा दिए। अरे वो पेपर पे मर देगा, जब बात कर दूं सब पेपर होता है प्रधानमंत्री ऑफिस में, समझे? ऑन पेपर काम है, जमीनी स्तर पे कोई भी विकास का। देखिए, करते हैं उनसे क्या चाहिए, कुछ आए तो बिहार के लिए कुछ। एक मिनट, कुर्सी प्रधानमंत्री के कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी वाले जो है जुमलाबाजी करते हैं और हम नहीं, बीजेपी वाले खुद स्वीकार करते हैं। अमित शाह के भाषण सुने थे ना, इंटरव्यू, अमित शाह बोले थे कि 15 लाख जुमलाबाजी है, तो बस हम यही देश के युवा से कहना चाहेंगे, देख लीजिए उनके मुंह से ही बोला, जो सत्ता में आने के लिए 15 लाख जुमलाबाजी कर सकता है वो सत्ता में आने के लिए जुमलाबाजी करके कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई काम नहीं करेगा। मोदी जी तो बोले हैं कि जनता उनका पूरा परिवार है, पूरा देश परिवार है, बिहार परिवार है, और परिवार ने उनको ठान लिया है कि किसान मरे उनके परिवार नहीं थे, मणिपुर में जो महिला को लंका घुमा गई थी वो उनके परिवार नहीं थे, बीजेपी में आईटी सेल वाले लड़का जिन महिला के साथ गलत व्यवहार किया वो उनके परिवार नहीं थे। आप बताइए हम कैसे मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं? मोदी जी अपने परिवार को बोलते हैं डीएनए खराब है जी, नीतीश कुमार को बोले थे ना डीएनए खराब है जी, अपना परिवार के कोई खराब बोलते, हम नहीं बोल रहे, मोदी जी बोले थे। इन्हें कि हमरो पर कहीं लगा दिया कोई, उससे तो दिक्कत हो जाएगा मोदी जी, हम ना बोले, आप ही का बात सुना ऐसे। अब बताइए हम कैसे, युवाओं को क्या चाहिए मोदी जी? बीते दस वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं, 39 सीटें दी पिछली बार, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 40 की 40 मिले? नेवर। बोलने से बोल दूंगा कि ताज, सुनिए ना, बोलने को तो मैं बोल दूं कि ताजमहल मैं खरीद सकता तो खरीद सकता हूँ, नहीं, एक एक वोट की कीमत से लोकतंत्र बनता है, देश का संविधान बनता है, देश के प्रधानमंत्री बनता है। 2019 के चुनाव में भी विपक्ष यही कह रही थी कि मोदी जी को इस बार सत्ता से उखाड़ देंगे, लेकिन नहीं मिला। हम 6 तारीख का रहे ना, वहाँ पर जितना भी बिहारवासी भाई लोग मोदी जी को देखने जाए, 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, वहाँ पर जितना भी बिहारवासी मोदी जी को देखिएगा प्लीज, जब भी मोदी जी के मुँह से जंगल राज निकले तो मोदी जी को वहीं पर आप बोलिएगा। देखिए, 1990 में हम मान लेते हैं बिहार में गुंडागर्दी हुआ, मुंबई में का हुआ, दाऊद इब्राहिम मुंबई में जन्म लिया, 1990 में बिहार से ज़्यादा मुंबई में गुंडागर्दी हुआ, लेकिन सुनिए ना, बिहार को जंगल राज बोल बोल के बीजेपी बदनाम किया है, और जिस घर को हम जंगल राज बोलेंगे ना, खराब बोलेंगे ना, वो हमारे घर में दूसरे नहीं आएगा। इसी तरह बीजेपी ने बिहार को जंगल राज बोला है और दूसरे कंपनियां बिहार में नहीं आए, तो प्लीज़ बिहार को जंगल राज बोल के बदनाम मत कीजिए, हमने आपको 39 सीट दिए। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सत्ता छोड़ दें, उनसे यही चाहते हैं क्या? हम तो नहीं चाहते हैं कि सत्ता छोड़ें और विपक्षी को सत्ता से क्या देश से भगा दें, हम ही चाहते हैं मोदी जी को।
हम मोदी से भगा दीजिए, हाँ देश से भगा दीजिए। लोकतंत्र में विपक्ष का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 364 में जानते हैं मैडम कितना काम किया है, इतना काम किया कि खाली पत्थर चलता था जहाँ तक, 6000 मस्जिद से 11 लाख मस्जिद बनवा दिया, और क्या खोज रहे हैं, इतना विकास कर दिया। दस वर्षों का काम गिनवा दो, 5 ही वर्ष का गिनवा दो। देखिए काम इतना हम देख लिया ना मोदी जी का कि मत पूछिए। देखिए पहला बार वोट दिए थे हिंदुत्व एकता के नाम पर, दूसरा बार वोट दिए थे श्री राम मंदिर के लिए, इस बार वोट दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। बस हिंदू राष्ट्र चाहिए जी, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। हम खुद योग्य हैं, हम खुद योग्य हैं, हम खुद कमा के खा लेंगे। हमारा भगवान दो गो पैर दिए हैं, दो गो हाथ दिए हैं, कहीं भी मेहनत करके कमा खा लेंगे। लेकिन नौकरी तो सरकार देती है। नौकरी देखिए आप पढ़िए, पढ़िएगा मैम बढ़िया से, पढ़िए लिखिएगा बढ़िया से तो कहे नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है पहले ये बताइए। 7 साल में, ए भाई रुकिए, 7 साल में जितना मोदी जी कर दिए हैं उतना कोनो नेता नहीं कर रहा। ये लॉकडाउन जैसे इतना महामारी आया ना, कांग्रेस तो उसी टाइम में देश बेच के भाग गया रहता, आया बोलते मोदी जी है जो सब कुछ संभव है। आज मेट्रो का काम चल रहा है किसके वजह से, मोदी जी का। आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा उन्होंने लोन लिया है प्रधानमंत्री पद पर, आज तक कितना लोन किसने लिया। अरे कांग्रेस बोलती है ना, आज कांग्रेस का राज रहती ना तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा कोई मंदिर नहीं बन पाता, कोई मेट्रो का काम नहीं चलता, कोई मतलब कोरोना 19 में कितना आदमी चला गया रहता दुनिया छोड़ के, वो मोदी है जो सब कुछ संभव है। नहीं तो कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं होने वाला है। भैया सब बोलते हैं 25 साल में है बिहार का राजनेता, लोग 25 साल में क्या किया है लोग, पहले 15 साल पहले जंगल राज था। कांग्रेस कह रही है कि उसके पहले तो जितना बना सब तो हमने ही किया। जंगल राज था, चोरी उचकई काम करता था, कोई सी का पैसा रोड़ाबाजी करवाते थे, जहां तहां रोड़ाबाजी करवाते, कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, पहले मेरे को बोलने दो, पहले छोटी छोटी बकरी चुरा लेता मैम, दूसरा बकरी चुरा के चला जाता था। हम लोग जंगल एरिया का है ना, बकरी खोसी सब जो भी मिल गया, छोटा सब, और जो जंगल राज का सम्राट थे पहले वही सब चोर वही करवा रहे थे ना, बाकी दूसरा थोड़ी करवाएगा। जब सम्राट कौन थे जंगल राज की बताइए, लालू यादव और लालू यादव और क्या बकरी आपका। हमारा पब्लिक कितना चोरी हो गया, धान भी निकाल ले रहा था बेरी में घुस के, अब उस छोटा छोटा चोर क्या करेगा, कमाने के लिए लूर है ये नहीं है, कमाने के सिखाए नहीं, खाली चोरी ना सिखाए। बकरा बकरी पे कौन बात करता है, बकरी तो बहन पैसा रहेगा ना जेब में। सुनो ना बात पहले, मेरे को बोलने दो, मुद्दे पे बात करेंगे। बकरी चोरी होगा तो मोदी जी। देखिए भाई के क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। भाई ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने लूट लिया है बिहार को, आरजेडी ने लूटा है देश को। रुक तो जाओ, मेरे को जवाब तो देने दो, रोड़ाबाजी की बात करो। आज यहाँ पे खड़े हो ना तो ये सब कांग्रेस का देन है, समझो बात। कांग्रेस का देन है, एक भी बिहारी बिहार में नहीं रहेगा, जाके दूसरा जगह गुलामी करेगा। लालू यादव का कांग्रेस का देन है। मोदी जी 7 साल किया है ना, इसके बाद आने दीजिए। देखिए सब भुखमारी खत्म है, कोई नहीं जाएगा दूसरा जगह कमाने। यही बताइए कांग्रेस का बीजेपी का, बीजेपी बहुत है, बीजेपी टेक्नोलॉजी के मामले में सब नंबर वन पे गया है। लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, कौन बोल रहा है नहीं मिला है, डाला खुला देखिए, 5.5 करोड़ खुला है, 5.5 करोड़ खुला है, SSC दिया है, BRSSC दिया, आर्मी वाला दिया 2-3 लाख, और 5,000 के आसपास है, और 5-7 करोड़ आबादी है देश में युवाओं, 140 करोड़, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ दिया है, 5.5 करोड़ है, 5.5 करोड़ दिया है, अकाउंट खुला है, खोल देखिए व्हाट्सएप पर, कहाँ से पढ़ लिया आपने, हम देखे हैं, हर एक चीज में दिए हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला, UPSC के निकला, BPSC के निकला, हमको मिला, हम अभी डिग्री हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा ना, हमको बिजनेस करना है, हाँ मोदी को ही लेके आना है, हाँ मोदी को ही लेके आना है। देखिए हमको आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे किसका सरकार सही चल रहा है, बताइए सही से। ये मोदी जो है ना खाली झूठ का है, खाली पटोला किया हुआ है, समझा, ये देंगे
देंगे वोट देंगे, कहाँ दिया 15 लाख रुपया सबको बोला था देने के लिए। सवाल है कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उनके भाषण में एक्सपेक्ट क्या करते हैं? पूछ रहे हैं वो आते रहे, आजादी है किसी भाषण देते हैं प्रधानमंत्री लगातार सत्ता में आए उसके पहले से उनके भाषण की बहुत चर्चा होती है, इस बार क्या चाहते हैं उनसे भाषण में, कुछ चाहिए बिहार की जनता को? उनको निगलेट हम लोग किए हुए हैं, गठबंधन आएगी यहाँ से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बोलने के लिए? कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाषण झूठा भाषण होता है कि लालू यादव भ्रष्टाचार किए हैं। अरे किए हैं, कौन भ्रष्टाचार ने किया है, सब तो भ्रष्टाचार ही किया है, खाली लालू यादव है। ये बात मानते हैं आप भी कि भ्रष्टाचार किए हैं लालू यादव? नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। कैसे ऐसे इतना सारा एजेंसी उनके पीछे? अरे वो सब ऐसे भगोसला है, कुछ नहीं, नहीं सब बकवास है। मोदी जी को वोट नहीं दीजिए? नहीं, कभी गठबंधन, गठबंधन को मोदी जी को नहीं दीजिए? नहीं, कहा है दादा? अरे झूठा भाषण खाली मारता है यार, हमको तो बुझाता है जो राहुल गांधी है, ये सब को जो पटिया ना गठबंधन, ये सब बड़का झूठा पार्टी है, इसलिए ये सब खाली बोलता है, मोदी जी करते हैं, खाली झूठा है, खाली भगोसला है। 15 आज 25 साल मोदी जी नहीं चलेंगे? नहीं, आपको नहीं लगता? इस बार नहीं, इस बार नहीं चलेंगे? नहीं, इस बार 40 सीट 20 सीट भी नहीं आएगा भैया, देखिए ना खाली आप बिहार में नहीं आएगा, 20 सीट भी नहीं आएगा, लिख लीजिए कागज पर। ये पहले आपका गठबंधनवा था तो पहले रोडवा काहे नहीं बन रहा था चाचा? पहले रोड क्या बना दिया यार? कहाँ क्या बना दिया था? क्या बने लगा? अरे झूठा भाषण खाली मारता है, 15 लाख पहले बिजली तो लाइट खाने खाने का टाइम कट जा रहा था, नंबर वन है मोदी यार, खाली झूठ बोल के मालूम है आज कितना हो रहा है यार। चाचा चुप रहिएगा, आप बोल लिए ना, हम तो माइक में नहीं बोलना चाहते थे इसलिए बहुत वायरल है। हम ये चाचा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, इतना याद रखिएगा चाचा, 40 सीट आएगा, हम 400 पार का गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सवाल मेरा जो सवाल है वो सुन लीजिए, हम ये सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं बिहार के लिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, मुझे क्या ना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए एकदम हम लोग खड़े हैं, हम लोग स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उनके भाषण में बिहार के लिए कुछ पैकेज एक्स्ट्रा है, कुछ अच्छा आना चाहिए? पैकेज चुनाव में नहीं मिलता है, पैकेज जो देना था वो दे के चले गए, अब लोगों को समझा देंगे, समझ जाएंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 400 तो उनको मिलेगा। नहीं मिलता है चुनाव में पैकेज? चुनाव में पैकेज नहीं मिलता, आचार संहिता लागू है, इसमें नहीं होता है, नहीं होता है, इसमें नहीं, पहले भी नहीं किए, इसके पहले भी नहीं किए हैं आप, नहीं फिर चैनल चलाते होंगे सही से, इसके पहले पहली बार आए थे, इसके पहले 4 तारीख को आए थे तभी भी नहीं बोले। 1,00,000 करोड़ दे के गए हैं यहाँ, वो तो वो वहाँ गए, हाँ वही देने का टाइम होता है, कल 4 तारीख को जब आए थे 4 तारीख को उन्होंने नहीं दिया था। आचार संहिता में नहीं मिलता कुछ भी, नहीं इस समय कुछ नहीं मिलेगा, इस समय उनको काम पर वोट मिलेगा, जो किए हैं उनको वोट मिलेगा। आचार संहिता है, लोग कहना इसलिए नहीं दे रहे हैं, बाकी देंगे विश्वास है क्या? हाँ चुनाव के बाद शपथ लेने के बाद उनका तो काम धड़ाधड़ चालू होगा यार, ये तो कोरोना काल में थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन अब तेजी आएगा। तो चलिए ये तमाम लोग हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के लोगों के बीच में क्या चर्चा है, क्या कुछ चर्चा चल रही है लोगों के बीच में, हमने जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लगातार विपक्ष उन पर सवाल उठा रही है कि आते हैं और भाषण दे करके चले जाते हैं, कुछ खास बिहार के लिए नहीं करते हैं, कुछ खास बिहार के लिए बात नहीं करते हैं, और जिस तरीके से लगातार वो बातें कर रहे थे परिवारवाद को लेकर के, विपक्ष को लेकर के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। फिलहाल आपने सुना लोगों ने क्या कहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।